पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों एवं उद्देश्यों को सार्थक बनाने में महानगर एवं जिला स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न मोर्चा एवं प्रकोष्ठ का योगदान सरकार के कार्यों का उल्लेख करने एवं समाज तक पहुंचाने में सार्थक भूमिका है। हम सभी कार्यकर्ता जनता को साथ लेकर इस राष्ट्र निर्माण एवं उत्तर प्रदेश के नव निर्माण में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ें। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पुनर्स्थापना में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को समाज तक पहुंचाने एवं समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों का योगदान महत्वपूर्ण है, जो शासन और समाज को जोड़ने में महती भूमिका निभाता है। महिला मोर्चा शासन को समाज की महिलाओं को जोड़ने में, शिक्षा प्रकोष्ठ शिक्षकों को जोड़ने में, चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रकोष्ठ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज में आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों को आपस में जोड़ने तथा सरकार के सकारात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए मीडिया, सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करके सरकार की विभिन्न योजनाओं से समाज को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की है। पुलिस बल में महिला कर्मियों की भागीदारी 3 गुना बढ़ी है। महिला बैंकिंग संवाददाता के द्वारा हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, महिला विद्युत सखी द्वारा गाँवों में विद्युत बिलों का भुगतान कराने में सहयोग कराना, पोषण मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह द्वारा लोगों को पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने का कार्य महिला मोर्चा द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिला स्वावलंबन की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास रहा है। किसानों के लिए किसान मोर्चा कृषि कार्य के उत्थान एवं किसानों के उनके फसलों के उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में कार्य कर रही है, जिसका प्रतिफल पिपराइज की बंद चीनी मिल का पुनः प्रारंभ हो जाना है। किसानों को खाद आपूर्ति की सुविधा सरलता से प्राप्त हो, इस दिशा में गोरखपुर का फर्टिलाइजर खाद कारखाना एक सकारात्मक प्रयास के रूप में हम सब के सामने एक उदाहरण है। प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख युवाओं को नौकरी, युवाओं को तकनीकी से के साथ जोड़ने के उद्देश्य से कौशल विकास की योजनाएं, अनुसूचित छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, 15 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, सैनिकों के सम्मान एवं उनके परिवार की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार सफल रही है। वर्चुअल मीटिंग में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के साथ अन्य प्रकोष्ठों एवं मोर्चों के पदाधिकारीगण आदि मौजूद रहे।